बुलंदशहर जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने साप्ताहिक कर्फ्यू को लेकर एक आदेश जारी किया है। क्या है वो आदेश, हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि ऐसी ही ज़रूरी वीडियो आप तक समय से पहुँच सके। तो वो आदेश क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। सूचित किया जाता है कि जनपद में साप्ताहिक कर्फ्यू के दौरान भी सभी औद्योगिक इकाइयां एवं सरकारी निर्माण कार्य कार्यशील रहेंगे, सिवाय उनके जिनकी पहले से ही रविवार को छुट्टी हुआ करती थी। कोई भी औद्योगिक प्रतिष्ठान बंद नहीं किया जाएगा और औद्योगिक प्रतिष्ठान में काम करने वाले अपना आई कार्ड, ड्यूटी कार्ड दिखाकर आ जा सकते हैं। आज्ञा से जिलाधिकारी रविंद्र कुमार, बुलंदशहर। दोस्तों, साथ ही टाइम 24 भी आपसे अपील करता है कि सावधानी बरतें। यदि बुलंदशहर में भी निरंतर मामले लगातार बढ़ते रहे तो फिर लॉकडाउन जैसे हालातों का सामना करना पड़ सकता है। इस तरह सावधानी से दो फायदे हैं, एक तो आप खुद को और अपनों को बचा सकते हैं, साथ ही मामले नहीं बढ़ेंगे तो ज़िंदगी यूं ही रफ्तार से चलती रहेगी। बुलंदशहर में आप कहीं भी रहते हों, खुर्जा, शिकारपुर, डिबाई, अनूपशहर, जहांगीरपुर, जहांगीराबाद, सिकंदराबाद, सियाना या फिर ग्रामीण क्षेत्र, तो आप हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने आसपास के लोगों तक पहुंचा दें ताकि लोगों को इस आदेश की जानकारी हो सके। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, आदाब। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।